कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की और विधिवत पूजा अर्चना की। प्रियंका के साथ राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद रहे। पंजाब के खन्ना में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी को 15 मिनट बहस की चुनौती दी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का नामदार परिवार है, ये पिकनिक के लिए देश के युद्धपोत का इस्तेमाल करते हैं। रतलाम में पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। पीएम ने कहा दिग्विजय सिंह को लोकतंत्र की चिंता नहीं। दरअसल 12 मई को छठे चरण में भोपाल में वोट पड़े थे और दिग्विजय सिंह भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने वोट नहीं डाला था। महाराजगंज में सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी पंकज चौधरी के लिए मांगा वोट। सीएम योगी ने कहा प्रदेश में सरकार बनते ही हमने एंटी भूमाफिया का गठन किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास को लेकर आपने रवि किशन को चुना है, रवि किशन विकास और कला का संगम है। सीएम योगी ने कहा कि देश में एक ही नारा है, फिर से मोदी सरकार। कांग्रेस के 55 साल पर 5 साल भारी हैं। मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया। मोदी जी ने जातिवाद कभी नहीं किया। कुशीनगर में सीएम योगी ने जनता को संबोधित किया और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हम किसानों को फसलों का पूरा दाम दे रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि हम किसानों को गेहूं का दाम 1,860 रुपए प्रति क्विंटल दे रहे हैं। कुशीनगर में सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को बिना भेदभाव के बिजली मिल रही है। पहले ईद और क्रिसमस को बिजली मिलती थी, अब सब त्योहारों में बिजली मिल रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि 6 चरणों में उनका सफाया हो रहा है, चौकीदार की चौकीदारी छीन लो। साथ ही कहा कि बाबा जी कहने पर पुलिस जनता को ठोक रही है। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी दलितों को नकली प्रेम दिखा रही है। लोग दलित अभी शबीरपुर कांड नहीं भूले हैं, गुजरात दलित कांड को नहीं भूले हैं। साथ ही कहा कि यूपी में कई जगह दलित उत्पीड़न हो रहा है। गोरखपुर में गठबंधन की साझा रैली को अखिलेश यादव ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने युवाओं की नौकरी के सपने दिखाए थे, 102 और 108 योजनाओं को बर्बाद किया। ऑक्सीजन कांड में सरकार दोषी है, ऑक्सीजन न खरीदने से बच्चों की मौत हुई। अखिलेश के आगे अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त दिखने के सवाल पर आजमगढ़ में निरहुआ ने कहा कि मैं भारी बहुमत से चुनाव जीत रहा हूं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस बार फिर खुले तौर पर पीएम मोदी को धमकी दी है। ममता ने कहा कि चुनाव के बाद मोदी सत्ता से बाहर हो जाकर कहां छिपेंगे, मैं उनसे हर चीज का गिन गिन कर बदला लूंगी। अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन ने तमिलनाडु के अराव कुरुची में चुनाव अभियान के दौरान विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने कहा आजाद भारत का पहला आतंकी एक हिंदू था, उसका नाम नाथुराम गोडसे था, यहीं से आतंक की शुरुआत हुई थी। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने घंटे का मौन व्रत रखकर धरना प्रदर्शन किया। हरीश रावत ने यह धरना प्रदर्शन दलित हत्या के लिए रखा था। ओडिशा में फानी प्रभावितों की मदद के लिए सीएम नवीन पटनायक ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। पंजाब के गुरदासपुर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी और बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल की गाड़ी सुबह हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि प्रचार के समय यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त सनी देओल गाड़ी में मौजूद थे। मेरठ में बारात से लौट रही टाटा मैजिक की एक तेज रफ्तार ट्रक से भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एटा के जलेसर क्षेत्र में 6 दिन पूर्व शादी समारोह से अगवा किए गए 9 साल के मासूम बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद करते हुए मुख्य अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मेरठ में परीक्षा देने गई छात्रा का अपहरण हो गया, परिजनों ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। अलीगढ़ में सपा नेता हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। मुठभेड़ के दौरान 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचा, 3 कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई। बरेली में चलती बाइक में आग लग गई, मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाया। घटना कोतवाली इलाके के बाजार इंडिया कॉम्प्लेक्स के सामने की। आगरा के ताजगंज में होटल ग्रांड एसएम रेजेंसी में जलसा में 40 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शामली कोतवाली पुलिस ने दर्जनों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक साथी नटवरलाल को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नटवरलाल ने करीब 10 करोड़ रुपए की ठगी की।
हरदोई के विलग्राम कोतवाली क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट और आग लगने के मामले में एक पक्ष के आग लगने से झुलसे चार लोग कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी से मिले। आगरा के थाना बरहन में एक युवक के लैपटॉप से तमाम महिलाओं और लड़कियों के अश्लील फोटो और वीडियो मिले हैं। वीडियो कैसे बनाए गए, इन अश्लील वीडियो का युवक क्या करता था, पुलिस इसकी जांच कर रही है। 21वीं सदी के भारत में लगातार दलितों के साथ हो रहे अत्याचारों के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। इसी पर भारतीय दलित पैंथर समाज के लोगों ने कानपुर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। महोबा के खरेला थाना क्षेत्र के परचून की दुकान पर एक युवक को कोल्ड ड्रिंक पीने के दौरान अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। अंधाधुंध फायरिंग के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। हाथरस जिला अस्पताल की ओपीडी में दवा लेने आए युवक की बाइक को शातिर चोर ने चुरा लिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस वीडियो के आधार पर शातिर चोर की तलाश में जुटी हुई है। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर में भीषण आग लग गई। ट्रैक्टर पर बैठे चालक सहित तीन लोग आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। गाजियाबाद के लोनी लक्ष्मी गार्डन मार्केट स्थित ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शाहगंज में कार के खाई में गिरने से सगे भाई और बहन की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना थाना सेहरा मऊ दक्षिणी के स्टेट हाईवे पर बादशाह नगर की। कानपुर के नवाबगंज में केडीए कॉलोनी का गेट गिरने से मासूम की मौत। गेट के नीचे दबकर हुई मासूम बच्चे की मौत, परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार। ग्रेटर नोएडा के कांसना पुलिस ने 2.5 करोड़ के मोबाइल लूट का सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने बरामद किए 2 करोड़ के मोबाइल। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। झांसी में पुलिस ने ब्रांडेड शराब के नाम पर मिलावटी और जहरीली देसी शराब बनाने का काम करने वाले एक आरोपी को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। हमीर में विधायक अशोक चंदेल ने डीजे कोर्ट में सरेंडर किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ में डायरिया की वजह से कई बच्चे बीमार हो गए। साथ ही अस्पतालों में डायरिया के मरीजों की भरमार लग गई है, जिसकी वजह से जिला अस्पताल का वार्ड हाउसफुल हो गया है। आगरा में महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाने वाले पर FIR दर्ज हो गई है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। महिला के पति ने आरोपी पर आरोप लगाया है। हापुड़ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हापुड़ पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ अभियान भी चलाया। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे में एलईडी बल्ब चोरी करते हुए युवक कैद हो गया। पुलिस चोर की तलाश में जुटी हुई है। उन्नाव के अजगैन थाना क्षेत्र के कुशहरी माता मंदिर के तालाब में नहाने गए दो छात्र डूब गए। हादसे में एक की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में डायल 100 के सिपाही ने खुद को मारी गोली। नागफनी थाना क्षेत्र के डिप्टीगंज की घटना। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने सड़क पर एक युवती की जमकर पिटाई कर दी। अपना वेतन मांगने को लेकर बीच रोड पर युवती की दबंगों ने लाठी डंडों से पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दबंगों की तलाश शुरू कर दी है। गाजियाबाद में लोनी के विधायक ने यमुना में बीच धारा में नाव से हो रहे अवैध खनन के नाव को पकड़कर अफसरों को जानकारी दी। खनन अफसर और SDM ने मौके पर न पहुंचने पर विधायक धरने पर बैठे। गाजीपुर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस 100 की गाड़ी को नहर में पलटी। पशु तस्कर को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस, जिससे नाराज ग्रामीणों ने गाड़ी नहर में पलट दी। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधर राव ने अभिनेता कमल हसन की तरफ से दिए गए बयान पर उनको मानसिक रूप से बीमार बताया। मायावती के द्वारा अलवर की घटना और उनकी पत्नी को लेकर तंज के जाने पर मायावती पर निशाना भी साधा। मथुरा में बिजली पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने मथुरा वृंदावन मार्ग जाम कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि वे एक हफ्ते से बिजली पानी की समस्या से परेशान हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। श्रावस्ती में नवजात शिशु को आवारा कुत्ते बना रहे अपना निवाला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। इकोना सरकारी अस्पताल के बगल टीचर कॉलोनी का मामला। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में 2016 में हुए महिला से गैंगरेप की पीड़िता ने न्याय नहीं मिलने पर खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। आरोप है कि पीड़ित महिला लगातार न्याय के लिए पुलिस के चक्कर काटती रही, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
मैनपुरी में युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच में जुट गई है। बांदा में तेज रफ्तार कार ने चार लोगों की जान ले ली। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, एक महिला की मौत हो गई। मामला NH-24 हाईवे के अर्जुनपुर के पास इटौंजा थाने का। बुलंदशहर में जिला अस्पताल के चिकित्सक से प्रशासनिक अफसर द्वारा अभद्रता मामले में सभी चिकित्सकों ने ओपीडी का किया बहिष्कार। ओपीडी में चिकित्सकों के न होने से मरीजों को हो रही परेशानी। कानपुर के गोविंद नगर इलाके में कर्ज के चलते रिक्शा चालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अयोध्या में दुल्हन के प्रेमी ने बारात में दूल्हे की कैंची से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने प्रेमी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कुमारगंज के तिंदौली गांव का पूरा मामला है। नोएडा में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी गिरफ्तारी फेज 3 थाना से की है। कानपुर में लोग भीषण गर्मी से परेशान। भीषण गर्मी ने पिछले 18 वर्षों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। लोग गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। राजनगरी आगरा में भी लोग गर्मी से परेशान। पानी की समस्या से परेशान लोगों ने जाम लगाया और नगर निगम के कार्यालय का घेराव किया। मुरादाबाद में अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुलंदशहर में स्कॉर्पियो और कंटेनर में भिड़ंत हो गई। स्कॉर्पियो सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शादी समारोह से स्कॉर्पियो सवार लौट रहे थे। सातवें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। ये मोदी भी ना आतंकवादियों से लड़ने के लिए सीना ठोक के निकल पड़ता है। अगर इसे कछु हो गया तो इस देश का क्या हाल होगा। अरे कुछ नहीं होगा बल्लू, हम हैं ना। काहे भैया मोदी